एसएस नॉनवेज होटल, मेसर्स सत्येंद्र कुमार, पता शिवपुरी रोड, नारायण गार्डन के सामने, सीपरी बाजार, झांसी। एसडीएम के समर्थन में प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। दतिया जिले में सत्ता पक्ष, कांग्रेस नेता एवं भांडर विधायक पति एवं कांग्रेस नेता साथियों के विरोध में जिला प्रशासन के अधिकारियों का सत्ता पक्ष बनाम प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रशासन अधिकारियों ने लामबंद होते हुए दतिया एसडीएम जेपी गुप्ता के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उल्लेखनीय है कि गत रोज सत्ता पक्ष की भांडर विधायक श्रीमती रक्षा सिरोनिया के पति संतराम सिरोनिया एवं कांग्रेस नेताओं एवं दतिया एसडीएम जेपी गुप्ता की तीखी नोकझोंक हो गई थी, जिसका मोबाइल छुड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके तहत यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी जेपी गुप्ता के समर्थन में उतर आए हैं एवं कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। संघ संगठन और जिले में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, उस घटनाक्रम से काफ़ी क्षुब्ध और आहत हुए और उसकी घोर निंदा करते हुए उन्होंने मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति ना हो। कोई व्यक्ति इस प्रकार की यदि कोई अधिकारी नियमानुसार अपना कार्य संपादित कर रहा है, किसी व्यक्ति की दबाव धमकी या इन सबसे दबाव में ना आकर नियमानुसार नियम से कार्यवाही कर सके, उस वजह से ज्ञापन सभी संयुक्त मोर्चे के अधिकारी कर्मचारी साथ बनकर आज कलेक्टर महोदय को दिया। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञाप है घटना के संबंध में, मैं इसका शॉर्ट बताना चाहूँगा। कल मैं जैसे कलेक्ट्रेट के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ट्रैक्टर गिट्टी का प्रबंध करते हुए देखा। मैंने ट्रैक्टर को रोक करके उसके ड्राइवर से रॉयल्टी मांग की तो उसके द्वारा मोबाइल पर रॉयल्टी दिखाई दी। उसको मैंने स्पॉट पर ही चेक किया गया तो वो एक घन मीटर की रॉयल्टी थी, जबकि प्रथम दृष्टया उसमें लगभग चार घन मीटर गिट्टी पत्थर भरा हुआ था। इस कारण मैंने उसको रोक करके कलेक्ट्रेट में ला करके जब्त करके रखा गया। माइनिंग के अधिकारियों से उसकी जाँच कराई जा रही थी और मैं अपने चैम्बर में आ गया। इसी दौरान विधायक पति श्री संतराम सिरोनिया मेरे चैम्बर में कुछ लोगों को लेकर के आए, जिन लोगों के मेरे द्वारा नाम दिए गए ज्ञापन में दिए, FIR में दिया, साथ आप लोगों को लेकर के आए, मेरे से बदतमीजी की। और इस बदतमीजी का मेरे द्वारा जब वीडियो बनाया जा रहा था, इस दौरान इनके द्वारा मेरा मोबाइल छीन लिया और मोबाइल को कुछ देर बाद किसी डर के कारण या FIR के डर के कारण कलेक्टर साहब के कक्ष में छोड़ के चले गए। और उसके पश्चात जो ट्रैक्टर मेरे द्वारा जब्त किया गया था, उस ट्रैक्टर को उठा करके ये बलपूर्वक ले गए। ज्ञापन देते समय अपर कलेक्टर विवेक सूर्यवंशी, जिला पंचायत CEO भगवान सिंह जाटव, PK शर्मा, धनंजय मिश्रा, SDM JP गुप्ता आदि अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।